हेलो गाइस, वी आर बैक। तो आज के वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ जो HP का ओमेन 15DC1093TX है, इसको मैं बैक पैनल खोल के आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है और आप कैसे इसका हार्ड डिस्क, इसका SSD और रैम अपग्रेड कर सकते हो। और इसके साथ मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा जो कि यह वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं, जो आपके लिए अच्छा होगा। ये मेरा टूल किट है जिसमें कि बहुत सारे साइज़ के स्क्रू ड्राइवर्स मिल जाएंगे जो इससे लैपराइट का है। ये अच्छा है आपका, आप अगर चश्मा पहनते हो तो चश्मे के लिए भी है बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स। आपका चश्मा रिपेयर आप खुद ही कर सकते हो अगर ढीला हो जाए या कुछ हो जाए। तो चलिए, तो इसको मैं उल्टा दिया हूँ लैपटॉप को। तो इस लैपटॉप में टोटल 8 स्क्रूज़ है, तो 8 स्क्रूज़ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्क्रू है, 2 नंबर स्क्रू, ये स्पीकर ग्रिल है, 3 नंबर स्क्रू, 4 नंबर स्क्रू, 5, 6, 7 और इधर 8। टोटल 8 स्क्रूज़ है। तो 8 स्क्रूज़ खोलने के बाद आप कुछ भी कार्ड जैसा सामान ले लीजिएगा तो उससे आप ओपन कर सकते हो डाल के अंदर। इसको कोई भी कोना से आप डाल लीजिए, फिर ऐसे स्लाइड करके ले जाइए पूरा कॉर्नर। मेन डिफ़िकल्ट पार्ट है स्लाइड करना, ये पीछे का पार्ट। तो ये पीछे का पार्ट में आप ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ का जो क्लिप है, ये दोनों यहाँ का क्लिप थोड़ा सा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, मतलब कि पहुँचने के लिए कार्ट से खोलने टाइम। तो आप ये दोनों जगह मेनली ध्यान दीजिएगा जब भी खोलते हो। तो चलिए पहले स्क्रूज खोलते हैं इसका, फिर मैं वापस आता हूँ। तो स्क्रूज खोलने के लिए मैं ये प्लस वाला स्क्रू यूज़ कर रहा हूँ, प्लस या क्रॉस आप जो भी कहते हो इसको, क्रॉस वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका, जिसमें ये सब स्क्रूज खुल जाता है आराम से। ज़्यादा छोटा मत लीजिएगा क्रॉस वाला, ज़्यादा छोटा से ये स्क्रूज खुलते नहीं है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने ये स्क्रूज खोल दिया है, ये 2 स्क्रूज़ है, ये 2 स्क्रूज़ यहाँ के नीचे के, फिर ये 2 स्क्रूज़ है यहाँ के, ये दोनों, ये 2 स्क्रूज़ इस साइड के, और ये जो लंबे स्क्रूज़ हैं ये दोनों हैं मेनली यहाँ के, क्योंकि मदरबोर्ड के साथ रहता है तो थोड़ा सा चाहिए होता है लंबा स्क्रू। तो चलिए, अब मैं खोलने के लिए अपना एपोलो कार्ड यूज़ करने वाला हूँ जो कि मेरे कोई काम का आता नहीं है। डिस्काउंट मिल जाता है, मेरे को काम नहीं आता। तो मैं यहाँ से डाल के, आप खुद ही देख रहे हो, मैं पुराना लैपटॉप भी इसी से ही खोला था तो यहाँ का टीयर डाउन हो चुका है। ऐसे ही कोई भी कोने में आप डाल दीजिए अंदर में। रुकिए, मैं लेफ्ट हैंड से यूज़ कर रहा था, राइट हैंड यूज़ करता हूँ, एक अच्छा साइड यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी एंगल से ऐसे डाल दीजिए अंदर, थोड़ा सा रुकिए। ऐसे घुस चुका है, तो आप ऐसे लेते जाइए, क्लिप्स खुलते जाएंगे अपने आप। इधर एक क्लिप होता है, हाँ, जब ये आप डालते हो ना तो आप मेनली ध्यान दीजिएगा कि ये स्पीकर ग्रिल्स वाला जो साइट है उसमें कुछ ज़्यादा अंदर मत डालिए, क्योंकि अंदर में स्पीकर्स है वो आप डैमेज कर सकते हो ज़्यादा अंदर अगर आप डाल दिए, इस साइड और इस साइड मेनली, बाकी इस साइड में आप अंदर तक डाल सकते हो। ये वाला पार्ट जो है पीछे का, यहाँ पे पहुँचना थोड़ा हार्ड है ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ के ये जगह और ये जगह का जो क्लिप्स है वो थोड़े हार्ड है, जिसके लिए आपको 2 हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। मैं लेफ्ट हैंड से नहीं खोल पाऊँगा इसको। और यहाँ के स्क्रूज थोड़े से, क्या स्क्रूज नहीं, मतलब कि जो क्लिप्स है इधर है पर कार्ड यहाँ तक ही आता है मैक्सिमम, और ये जो पार्ट है थोड़ा बेंट है अंदर साइड, यहाँ से कार्ड घुसता ही नहीं है, यहाँ से भी नहीं घुसता। तो इसके लिए मैं आता हूँ वापस खोल के, ट्राई मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके आता हूँ कार्ड डाल के, फिर खोल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इस साइड का भी खोल लिया है, ये दोनों के जो क्लिप्स है बहुत हार्ड है, आपको दिख ही रहा होगा, देखिए कहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दोनों क्लिप्स खोलने हैं, ये क्लिप और ये क्लिप, ये दोनों क्लिप्स खोलने हैं। तो बैक पैनल आपका ऐसा दिखता है अंदर से, जो कि अच्छा ही दिख रहा है पूरा सिल्वरी। फिर अंदर का ये है, आपको दिख रहा होगा,
मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे है आपका बैटरी जो कि 4 सेल है, 4 सेल लिथियम आयन बैटरी जो कि आपका है 52.5 वाट आवर और 4550 mAh ये बैटरी है। ये आपका SDD है जो कि एक आता है रबर केसिंग के साथ। सॉरी ये स्पीकर में हाथ मत लगा, ये बहुत फ्रेजाइल है। ये रबर केस्ड है, आप दिख ही रहा होगा। फिर ये आपका वाईफाई अडाप्टर है जो कि आप ये स्क्रू खोलोगे तो वाईफाई कार्ड निकल आएगा। और SDD कनेक्टेड है ये वायर से, आपको दिख रहा होगा आराम से, मतलब कि ये वायर और ये जो अडाप्टर है SDD का, ये दोनों साथ में आ रहते हैं, अलग से SDD लगाते हैं। फिर ये आपका SSD है जो कि मेरा 256 GB है। फिर इसके नीचे आपको आता है रैम, ये 8 GB है जो HP से मिला है, रिप्लेस विथ स्पेयर HP। फिर इसके नीचे और एक रैम लगा सकते हो आप, एक्स्ट्रा रैम 8 GB लगा सकते हो। फिर ये हीट सिंक है, इसका हीट सिंक और फैंस है, आपको दिख ही रहा होगा फैंस। ये दोनों शेयर करते हैं एक सिंगल पाइप जो कि यहाँ से शुरू हो के यहाँ तक जाता है, और डेडिकेटेड ये दोनों के लिए सिंगल सिंगल एक पाइप, मतलब डुअल पाइप चैनल है। यहाँ पे आपका CPU है और यहाँ पे आपका GPU है। तो आप जब गेमिंग करते हो या हैवी टास्क करते हो तो आपका जो कीबोर्ड साइड है, कीबोर्ड के ऊपर वाला जगह जहाँ ओमेन लिखा है और पावर बटन है, वो प्लेस आपका बहुत गर्म हो जाता है। तो इसके नीचे आपको कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे एक चिप है, एक रुकिए, मैं चिप में कुछ लिखा नहीं है, और ये हीट सिंक का एक पार्ट है, ये फैंस का वायर है, फैन के जो वायर होते हैं। बस इतना ही था इसके पीछे में, आपको दिखा दिया हूँ मैं। हाँ, इसका बैक पैनल जो है सी थ्रू है, आप देखिए कितना ज़्यादा एयर स्पेस दिया गया है इसके लिए वेंटिलेशन का। तो आपको वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस लैपटॉप में, बहुत स्पेस दिया गया है, इतना बड़ा स्पेस दिया गया है इसके लिए। तो इसके मतलब पूरा इस पार्ट तक कवर करता है, ये जितना दिया गया है इतना तक और ये इतना तक फुल वेंटिलेशन दिया गया है। तो बैटरी निकालने के लिए आपको ये 4 स्क्रूज खोलना है, 1 2 3 4, 4 स्क्रूज खोलेंगे तो ये बैटरी आ जाएगा आपका बाहर ऐसे खोल के। बैटरी के नीचे, बैटरी के पीछे दिखा देता हूँ आपको, रुकिए इसको हटा के। बैटरी के पीछे में कुछ नहीं लिखा है, पूरा प्लेन है। उसके नीचे आपका ये जो है, ये आपका माइक्रो जो SD कार्ड रीडर है ये वाला, उसका ये है। इसके नीचे कुछ वायर्स दिए गए, ये ट्रैक पैड का वायर है और ये सब कीबोर्ड के वायर्स है, आपको दिख ही रहा होगा बैटरी कैसे कनेक्टेड है। फिर SSD खोलने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो आपको SSD खोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस ये जो रबर फ्लैप है इसको आप उठा दीजिएगा तो ये वायर आ जाएगा बाहर। फिर आप यहाँ से पकड़ के या कोई भी जगह से पकड़ के SSD को आराम से बाहर निकाल सकते हो, देखिए कैसे निकल जाता है। ओके, उठा के दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ पकड़ो, यहाँ से ऐसे करके उठा देंगे तो ये उठ के आ जाता है। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो आराम से, SSD निकाल के रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर SSD जो है, SSD को आप खोल के दिखाता हूँ। ओके, बस ये स्क्रू खोल दीजिए तो SSD आपका निकल के आ जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा ये रहा SSD, ऐसे के आप दिख सकते हैं, जो कि मैं दिखा देता हूँ 256 GB वाला मेरा जो SSD है, 256 GB SSD। और रैम के लिए आप बस ये करना, ये जो दो क्लिप्स है बस इन क्लिप्स को ठेल दीजिए साइड इस तरफ और इसको उस तरफ ठेल दीजिए तो रैम ऐसे बाहर आ जाएगा, तो आप निकाल के दूसरा रैम लगा सकते हो। मैं आपको हीट सिंक खोल के दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी थर्मल पेस्ट नहीं है, क्योंकि एक बार अगर मैं हीट सिंक खोल दिया
तो मुझे वापस से क्लीन करके थर्मल पेस्ट वापस नया से डालना पड़ेगा, जो कि अभी मेरे पास है नहीं थर्मल पेस्ट। जब मैं थर्मल पेस्ट खरीद लूँगा उसके बाद मैं आपको ये खोल के जीपीयू और सीपीयू दिखा दूँगा आपको, जो कि थोड़े दिन में मैं खरीद लूँगा। उसके बाद मैं आपको और एक वीडियो में दिखा दूँगा सीपीयू और जीपीयू कैसा दिखता है, फैंस कैसे है। और एक बात, इतने बड़े वेंटिलेशन के कारण आपका डस्ट बिल्डअप यहाँ पे बहुत जल्दी होगा फैंस पे, तो आप ध्यान से रखिएगा फैंस को कि ज़्यादा डस्ट बिल्डअप ना हो। डस्ट बिल्डअप होने के कारण यहाँ पे ये हीट सिंक्स ब्लॉक हो जाते हैं, जो ग्रिल्स है हीट ग्रिल्स, ये दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप कोई भी ब्लोअर यूज़ करिए, मेरे पास ये बेलून वाला ब्लोअर है जिससे कि बेलून फुलाया जा सकता है। तो इससे मैं ब्लो करके, यहाँ पे ब्लो करके मैं साफ़ कर देता हूँ ताकि धूल ना जमे। और आप लोग को दिख ही रहा होगा, एक मैं पूरा फुल ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ आप लोग को, कुछ ऐसा दिखता है पीछे का। तो चलिए मैं इसका दूसरे वीडियो में आपको और भी चीज़ बोलता हूँ। सो गाइस वी आर बैक। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है कि ये जो दो पोर्ट्स है, यूएसबी टाइप 3.0 यूएसबी और 3.1 सी टाइप यूएसबी जो है, इसके ऊपर जो आपको ये लाइटनिंग वाला सिंबल मिल रहा है इन दोनों के ऊपर पीछे में, तो ये दोनों लिखा हुआ है एचपी के साइड में स्लीप एंड चार्ज। पर आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि ये लैपटॉप चार्ज करने के लिए नहीं है, ये दोनों पोर्ट से आप लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते। आपको चार्ज करना है तो आपको यहाँ पे एडाप्टर लगा के ही चार्ज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ यूएसबी में आपको लाइटनिंग वाला सिंबल और इस तरफ वाले यूएसबी में भी आपको लाइटनिंग वाला सिंबल नहीं मिलेगा, बस यहाँ के पीछे के ही बस दो यूएसबी, फुल यूएसबी 3.0 और यूएसबी टाइप सी 3.1 पे ही बस लाइटनिंग वाला सिंबल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि स्लीप एंड चार्ज वाला चार्ज जो लिखा हुआ है साइट में, उसका मेन मतलब ये हुआ है कि आप लैपटॉप से कोई एक्सटर्नल डिवाइस चार्ज कर सकते हो, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये मेरे पास मेरा दूसरा फ़ोन है, आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको इसमें चार्ज थोड़ा कम है, ठीक है। तो मैं इसका यूएसबी कनेक्ट रखा हूँ, ये है यूएसबी। तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ इसको तो ये मेरा मोबाइल चार्ज करेगा। आप देखिए मैं डाल देता हूँ, देखिए चार्ज करेगा, चार्ज कर रहा है मेरे मोबाइल को। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लैपटॉप ऑफ है, कुछ नहीं चल रहा। लैपटॉप खोल के दिखा देता हूँ, देखिए पूरा लैपटॉप ऑफ है, रेड एलईडी लाइट पावर का नहीं जल रहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जल रहा, पूरा ऑफ है मेरा लैपटॉप। तो ये मेनली लैपटॉप आपका पावर बैंक जैसा काम करेगा, जो इसके अंदर 4550 mAh का बैटरी है लैपटॉप के अंदर, वो आपका एक्सटर्नल डिवाइस चार्ज करने के लिए ये दो पोर्ट्स दिए गए। ये दो पोर्ट से आप एक्सटर्नल डिवाइसेस आराम से चार्ज कर सकते हो पावर बैंक की तरह। अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है, आप लैपटॉप लेके बस जा रहे हो, तो आप लैपटॉप के बैटरी से अपना एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस, आईपैड हो, आईफोन हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, या फिर आपका पावर बैंक ही क्यों ना हो, कुछ भी आप रखो चार्ज होता रहेगा। पर यही है, यही इम्पोर्टेंट चीज़ था। तो ये यूएसबी है, अगर मैं अलग साइड में डालूँ, आपको दिखा देता हूँ, अलग साइड के यूएसबी में डालूँगा तो यहाँ पे ये चार्ज नहीं लेता मेरा, क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑफ है, लैपटॉप ऑफ है तो चार्ज नहीं ले रहा। यहाँ पे भी डाल दिया, और मैं आपको उस तरफ वाले भी डाल के दिखा देता हूँ। आ गया, देखिए इधर भी चार्ज नहीं लेता, मेनली चार्ज लेता है आपका एक्सटर्नल डिवाइस के लिए यहाँ के। तो आप यही कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये थंडरबोल्ट है या फिर कुछ अलग है, ये कोई थंडरबोल्ट सपोर्ट नहीं है इस लैपटॉप में। आप कोई सी टाइप से कोई आप एक्सटर्नल जीपीयू आप सोच रहे हो, अगर अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो एक्सटर्नल जीपीयू लगा के मैं इसमें चला लूँगा, तो एक्सटर्नल जीपीयू सपोर्ट नहीं करता, थंडरबोल्ट नहीं है, ये बस लाइटनिंग का सिंबल दिया गया है ताकि आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो आराम से इससे पावर बैंक की तरह। तो यही था मेरा इम्पोर्टेंट टिप आप लोगों के लिए।
सो गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जब आप लैपटॉप को शट डाउन कर देते हो, शट डाउन करके रखते हो या ऐसे ही रखते हो, कुछ भी चीज़ आप इन दोनों में मत लगा के छोड़ दीजिएगा शट डाउन करने के बाद। ये जो USB 3.0 लाइटनिंग सिंबल वाला और USB Type-C 3.1 लाइटनिंग सिंबल वाला, इन दोनों में आप कुछ भी चीज़, जैसे कि आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो या माउस हो या फिर आप कुछ भी हो या कूलिंग पैड ही क्यों ना हो, तो ये आप अगर लगा के छोड़ दीजिएगा, अभी लैपटॉप मेरा शट डाउन ही है आपको जैसे दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो आप अगर इसको लगा के छोड़ देते हो तो आपका ये चलता रहता है हार्ड डिस्क। देखिए आपका चल रहा है, मतलब आप कुछ भी चीज़ लगा के शट डाउन करने के बाद ऐसे छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि ये हार्ड डिस्क चलता रहेगा और आपका पूरा बैटरी ड्रेन कर देगा। आप नेक्स्ट टाइम जब भी स्विच ऑन करोगे लैपटॉप को, तब आपको लगेगा कि मेरा स्विच ऑन क्यों नहीं हो रहा, चार्ज तो मैंने किया था, चार्जर मैंने अभी प्लग्ड आउट है, चार्जर चार्जिंग किया था तो कैसे मेरा चार्ज उड़ गया, मेरा बैटरी बैकअप क्यों नहीं रहा। तो आपको कन्फ्यूजन के क्लियर कर देता हूँ कि आप प्लीज़ कुछ भी चीज़ शट डाउन करने के बाद इसके पीछे में, जो कि पावर लेता है, इसके पीछे में मत लगा के रखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, माउस हो, कुछ भी हो, वो इसका बैटरी पूरा फुल ड्रेन कर देगा। वो भी बैटरी ड्रेन आपका बहुत जल्दी करता है ये जो है। ये आपके मोबाइल, अगर आप यहाँ पे पावर बैंक जैसा यूज़ करोगे तो आपका ये क्विक चार्जर जैसा काम करता है, क्विक चार्ज 2.0 का बराबर का चार्ज करता है मोबाइल। मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया था इससे, यहाँ पे लगा के, सी टाइप है मेरा, क्विक चार्ज 2.0 सपोर्ट करता है, तो ये मेरा मोबाइल चार्ज कर जाता बहुत जल्दी। तो आप प्लीज़ इसके पीछे में कुछ भी मत लगा के रखिएगा शट डाउन करने के बाद। बस इतना ही था, थैंक यू।